हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका रतूरी और आप सबका स्वागत करती हूँ। और ये है मेरी प्यारी नीस आद्रिका। आद्रिका से हेलो। तो मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, और यहाँ पर मेरी मम्मी और भाभी ने दिवाली के पहले खरीदी है एक फ्लावर मिल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उस फ्लावर मिल का कंप्लीट डिटेल्स। अनबॉक्सिंग तो नहीं कहूंगी क्योंकि उसको ऑलरेडी खोल के रखा गया था, लेकिन उसे अभी तक यूज नहीं किया गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अ डेमो। उसमें मैं आपको दिखाऊंगी आटा कैसे बनाएंगे और दाल से, चने की दाल से बेसन भी कैसे बना सकते हैं। मैंने भी अभी तक नहीं किया है, तो हम ये सब मिलकर साथ में करेंगे। ये है हमारी, ये इसके साथ एक बुकलेट आई हुई है एसटीसी स्वरूप की। ये फ्लावर मिल है और इसमें 5 डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। इसमें से ये जो बीच वाला वुडन फिनिश का मॉडल है, ये हमने लिया है। इस बुकलेट में सारी डिटेल्स हैं अबाउट ऑल दी पार्ट्स, फीचर्स, क्लीनिंग मेथड्स, एवरीथिंग। द फर्स्ट एंड द बेस्ट फीचर ऑफ दिस फ्लावर मिल इज इट इज़ कम्प्लीटली पोर्टेबल। इसे आप अपने कन्वीनियंस से कहीं पर भी रख कर यूज़ कर सकते हैं। इसका सेकंड फीचर है कि ये एक वुडन फिनिश में है और ये काफ़ी अच्छी दिखती है, और इसको क्लीन करना भी काफ़ी आसान है। इसमें किसी भी तरह की कोई शार्प एजेस नहीं है, इसलिए ये बच्चों के लिए भी सेफ है। और इसके पीछे जो ब्रैकेट लगाया गया है वो मेटल का है। इसके अगर हम साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक साइड में वेंटिलेटर दिया हुआ है, जिससे जितनी भी अंदर जो हीट क्रिएट होती है ड्यूरिंग ग्राइंडिंग वो यहाँ से निकल जाएगी। और इसके बैक साइड पे इसका केबल है और एक वेंटिलेटर भी है, जिससे जो मशीन की हीट है वो निकल जाए। और यहाँ पर आप अपना जो प्लग पॉइंट है उसको एंकर करके रख सकते हैं, तो उसके लिए ये है पीछे। और यहाँ पर एक टैग लगा हुआ है जिसमें इसके सारे मॉडल नंबर, इसका कलर, मॉडल टाइप, एवरीथिंग इज़ गिवन। केबल को अभी हम साइड में रखते हैं और हम देखते हैं कि जो इसका ऑपोजिट साइड है वहाँ पर भी एक वेंटिलेटर है। दैट मीन्स कि इसके तीनों साइड्स पे वेंटिलेशन है, जिसकी वजह से ये मशीन गर्म नहीं होती। अब हम इसका टॉप खोल के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये स्टेनलेस स्टील का बड़ा सा बोल बना हुआ है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 5 kg की है। यानी कि आप एक बार में अराउंड 5 kg ग्रेन्स इसमें डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये कुछ स्टील की जालियाँ दी हुई हैं, तो इस सारी जालियों के अलग अलग पर्पसेस हैं। उन अलग पर्पस के लिए आप अलग तरह की एक जाली यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब जितना मोटा आटा आपको छानना है, जितना मोटा रखना है आटा, उस हिसाब से आप ये जो स्ट्रेनर है इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये 5 स्ट्रेनर्स के साथ आए हैं। ये जो फ्लावर मिल है ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। इसके लिड पर ही एक चार्ट लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी जाली लगाने पर आपको किस तरह का आटा मिलेगा। पतला आटा, बारीक आटा, कोर्स यानी मोटा आटा। तो आपको गेहूं भी अलग दलिया बनाना है, गेहूं को एक अलग तरह से ग्राइंड करना है, तो वो जाली आप यहां से देखकर चूज कर सकते हैं कि कौन सी जाली इसमें लगानी है। चलिए अब हम इसे खोल कर देखते हैं। ये थोड़ा सा मैग्नेटिकली बंद रहता है, मैं बताती हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब हम इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक प्लग बना हुआ है जो कि ऑटोमेटिक लॉक है। मैं आपको बताऊँगी कि उसका क्या पर्पज़ है। और इसमें ये नीचे है इसका एक स्टील का बड़ा ड्रम। ये जो ड्रम है ये इसी में बेसिकली पूरा आटा आके इकट्ठा होता है। और इसके ऊपर भी एक ये जाली टाइप का लिड लगाया हुआ है। इसमें ये जो लिड है ये पूरा प्लास्टिक का है और इसमें ये बीच में नेट लगा हुआ है और ऊपर ये स्पेस दिया हुआ है जहाँ से आटा ग्राइंड होकर इसमें कंटेनर में आता है। अगर हम ये ड्रम को देखें तो ये जो ड्रम है ये भी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और अच्छी क्वालिटी का है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी 5 kg की है। तो आप एक बार में टॉप टू बॉटम 5 kg आटा अपना ग्राइंड कर सकते हैं इस मशीन में। इसकी ये जो नेट है ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की नेट है और ये हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है। अब हम इस लिड को इसके ऊपर रख देंगे और इसमें साइड में लॉक्स बने हुए हैं 4, उन लॉक्स से इसको अटैच कर देंगे इस लिड को इस कंटेनर के साथ। लिड को लॉक करने के बाद अब हम इसे फिक्स करेंगे।
तो ये जो आप देख रहे हैं ग्राइंडर में खाली स्पेस है जो कि इस लिड के ऊपर आना चाहिए। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और इस ब्रैकेट में इसको स्लाइड इन कर देंगे। इसको स्लाइड इन करना फर्स्ट टाइम में इतना आसान नहीं है, लेकिन एक दो बार जब हम करते हैं ऐसा तो फिर वो इजीली अंदर चला जाता है। और इस तरह से अब हम अपने कंटेनर को लिड के ओपन स्पेस के साथ और ग्राइंडर की ओपन स्पेस को साथ में मैच करके फिक्स कर लेंगे, जिससे कि जितना भी आटा जो ऊपर से आएगा वो सीधे इस स्पेस के थ्रू नीचे कंटेनर में जाए और बाहर ना फैले। चलिए अब हम इसकी जालियाँ देखते हैं। सॉरी, इसके साथ 5 नहीं 6 जालियाँ आती हैं और हर जाली का एक अलग इंडिविजुअल नंबर है। देखिए इस जाली को फिक्स कैसे करना है। अभी मैं 1.5 नंबर की जाली ले रही हूँ और ये खाली स्पेस में बड़ी ही आसानी से ये जाली फिक्स हो जाती है और फिर इस लिड को हम ऐसे बंद कर देते हैं। ये ब्रश ऐसे साफ करने के लिए। इसे क्या साफ करते हैं? ये इसको साफ करने का, इसको साफ करने का भी है। और फिर यहाँ रख देना है ना। और ये जालियाँ भी यहीं रखनी है बाद में। अच्छा, अभी यहाँ पर आओ। ये क्या है आदरू? व्हाट इज दिस? ये है चाइल्ड लॉक। तो अगर मशीन ऐसे चल रही है और आपने अगर ऐसे खोल दिया अचानक तो ये इसकी वजह से मशीन बंद हो जाएगी। हाँ करो, आगे करो, खोलो। ये देखो, वाह आदरू, आपने तो ओपन कर। बस अब इसमें क्या है और नीचे क्या है? नीचे ड्रम है। इस ड्रम में क्या आता है? फ्लावर। हाँ, फ्लावर से इसके अंदर से आप ला जाती है, फिर इसके अंदर से इधर से आता आ जाती है। हाँ, इस बटन तो छोटा बंद हो जाती है। हाँ, फिर उसके बंद से तो आ जाती है बाहर। हाँ, क्लोज इट। अब पूरी बंद कर दो, ये भी। व्हाट्स योर एज? 5 इयर्स। 5 इयर्स, वाह। ये तो फ्लावर मिल तो आप ही के साइज की है ना? हाँ। या आप टॉल हो, वेरी नाइस। ये फ्लावर मिल कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है। मैंने इसको यूज़ करके ये समझा कि इसका बनाया हुआ आटे का जो स्वाद और जो प्योरिटी है वो हमें बाज़ार के आटे में कभी नहीं मिल सकती। इसमें यूज़ किया जाने वाला अनाज भी आपके द्वारा देखा और परखा हुआ होता है कि वो कितना क्लीन और किस तरह की क्वालिटी का है। मशीन को जैसे ही ऑन करते हैं तो इस तरह का एक सायरन चलने लगता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अराउंड 2.5 केजी ऑफ गेहूँ। फ्लावर मिल जब ऑपरेशनल होती है तो इसी तरह की आवाज़ उसमें से आती है। 10 मिनट के बाद इतना गेहूँ कम हो चुका है, ऑलरेडी उसका आटा बन चुका है और ये बीच में जो स्पेस है उससे गेहूँ नीचे ग्राइंड होने के लिए जा रहा है। 20 मिनट्स में ही लगभग हमारा पूरा 2.5 किलो आटा पिस के रेडी हो गया है। अब हम पीसते हैं चने की दाल। चने की दाल भी उसी तरह हमने ऊपर कंटेनर में डाली है और देखिए ये अंदर ग्राइंड हो रही है। यहाँ पर मैंने 1.5 नंबर का ही जाली लगाया हुआ है और देखिए ये बेसन हमें दिख रहा है ऑलरेडी छन्नी में, जाली में लगा हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये निकालते कैसे हैं। इसको थोड़ा सा पहली बार में मुश्किल हुआ था मुझे निकालना, पर निकल आया फिर भी आसानी से। और ये देखिए हमारा बेसन तैयार है। मैं दिखाती हूँ इसकी क्वालिटी कैसी है, कितना फाइन है ये। ये देखिए ये करीब 1/2 kg बेसन है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेसन और आटा बनकर रेडी हुआ है। देखिए आटे का ड्रम निकालने के बाद बस इतना सा ही आटा बाहर निकला है जिसे हम आसानी से किसी भी टिश्यू या कपड़े से क्लीन कर सकते हैं और ग्राइंडर को भी बड़ी ही आसानी से एक ब्रश से और कपड़े से क्लीन किया जा सकता है। सो इट्स वेरी इजी टू क्लीन। इवन इसका जो कंटेनर, जो ड्रम था, उसकी जो ऊपर लिड था, इसको मैंने सिर्फ सिंक के नीचे, नल के नीचे रनिंग वाटर में क्लीन किया है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली क्लीन नाउ। इसका जो MRP है वो लगभग 16,000 रुपये है और अगर आप इसे अमेज़ॉन से ऑनलाइन लेते हैं तो इसका प्राइस है लगभग 14,500 रुपये। जो मोटर है उस पर 7 साल की वारंटी है
और इसके जो ब्लेड्स हैं उसकी लाइफ लॉन्ग वारंटी है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही फिर मिलूंगी, सी यू सून, बाय बाय।